इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। तो उसने मुझे ये पिक्चर दिखाने की कोशिश की कि अगर मैंने किसी को जाकर बोल भी दिया तो उसका कोई असर नहीं होगा, कोई मुझे बिलीव नहीं करेगा। इसका मतलब वो मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रही थी कि अगर मैं फैमिली को बताने वाली भी होंगी तो मैं नहीं बताऊंगी। किरिश का दरवाजा क्यों नहीं खुलता? इतनी रात को कौन आ गया? ये मुझे क्या हो रहा है? ये अजीब सा। क्या तू जानती है उसके खूनी को? मैं उसे जानती भी हूँ और उसका खून भी करना चाहती हूँ। थोड़े पैसों का इंतजाम कर सकती है? मैं तेरी मदद कर सकती हूँ यहाँ से भागने में। तुम तो रंग से बेरंग हो गए। अब जब तक तुम इसमें पानी लाओगे, रंग भरोगे, मैं यहाँ से झूमंतर हो जाऊंगी और फिर कोई रंग नहीं चढ़ेगा तुम्हारा मुझ पे। कितने महीने का हो गया? कुछ कुछ होता है। क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? नहीं, क्यों होता है? कोई देखता है तो देख ले, ये शादी तो होकर रहेगी। जी आएंगे और फिर मेरी ये सब क्या हो रहा है? रहने दीजिए ना प्रीता जी। I'm sorry प्रीता जी, पर वो क्या है, अगर कोई भी आपसे बदतमीजी से बात करता है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हद होती है और आप अपनी हद में रहिए, अपनी हदें पार मत कीजिएगा कि बाद में मैं कुछ बोल दूं और सबको पछताना पड़े। आप मेरी लगती होंगी जो लगती है, पर पिताजी मेरी बहुत कुछ लगती है। मेरी प्रीताजी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डू यू गेट दैट? मैं भी इंपॉर्टेंट हूं। मेरी शादी ऋषभ जी से होने वाली है, क्या आप नहीं चाहते मेरी शादी इनसे हो? अच्छा, धमकी दे रही है मुझे? ऋषभ जी आपने देखा, पृथ्वी जी मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, आप कुछ बोल भी नहीं रहे। कुछ बोलिए ना। मैं क्या बोलूं उसमें? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम बोल क्या रही हो, तुम चाह क्या रही हो, तुम्हें हुआ क्या है? चले, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वो भी प्रीता जी पर, उन्होंने क्या किया? और तुम क्या बोल रहे हो यार? तुम बोल क्या रहे हो? क्या चाह रहे हो? बोल। वही बोल रहा हूँ जो सही है, सिखाइए जरा। मुझसे ये पूछ रही थी ना कि मैं ऋषभ जी से शादी क्यों करना चाहती हूँ? क्योंकि मैं एक बहुत घटिया, बेकार और खतरनाक लड़की हूँ। मुझे पता है कि क्या हुआ। शैलेन मुझसे इस तरह क्यों बिहेव कर रही? रहने दीजिए ना ऋषभ जी, मैंने ही कुछ शर्लिन को ऐसा कह दिया होगा जिसकी वजह से शर्लिन मुझसे इतना अपसेट हो गई है। तो शर्लिन, मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा है उसके लिए सॉरी,
तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं कभी भी किसी को बेवजह कुछ नहीं कहती। जरूर तुमने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मैंने तुम्हें कुछ कहा होगा। वो बात और है कि तुम बुरा मानकर बैठती। How dare you, middle class? Shut up, shut up! You shut up! तेरी होने वाली बीवी है, तुम इससे बात करो। अब आया ना लाइन पे, चलो मुंह तो खुला। अब ये चाहे या ना चाहे, मेरे फेवर में तो इसे बोलना ही पड़ेगा। अब मैं प्रीता से चाहे जो कुछ कह दूं, ये मुझे कुछ नहीं कह पाएगा। फिर चाहे इसके मुंह पर कितना भी गुस्सा हो, ये शादी तो मुझसे ही करके रहेगा। होने वाली बीवी है ना, तो समझाओ अपनी होने वाली बीवी को कि मेरी होने वाली बीवी से बदतमीजी से बात ना करे, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बात करने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, एक तहजीब होती है। सीख लो वरना मैं सिखाऊंगा। गिरीश भैया, आप जब ये दूध बना रहे थे तो क्या उसे बंदा छोड़ के कहीं चले गए थे, या ऊपर से आपकी नजर हटी हो सकता है तब किसी ने आकर उसमें जहर मिला दिया। हाँ, एक लड़की थी। चलिए रस्म शुरू करते हैं। क्या आर्या के प्रतिशोध की आग अलग कर देगी साहिल और वेदिका को? पैर छू। वेदिका जी, वैसे एक और रस्म रह गई, सुहागरात की सेज सजाने। क्षितिज के इस नए षड्यंत्र से क्या वेदिका और साहिल बचा पाएंगे आर्या को? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। हमने कहा ना जिंदर साहब को कुछ नहीं हुआ है, हम नहीं हटाएंगे हमारा सिंदूर। गुड्डन मेरी बच्ची, ये तो हटाना ही पड़ेगा। नहीं दादी, हम किसी भी शर्त पर अपना सिंदूर नहीं हटाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने गुड्डन। गुड्डन के विधवा होने से पहले ही मैं गुड्डन को अपनी बीवी बनाऊंगा। मैं पहनाऊंगा उसे मंगलसूत्र। अब वो दिन भी दूर नहीं, कबीर अहमद को शरिया बोर्ड से निकाल फेंके। बेहतरी इसी में है कि आप अपना ओहदा संभालिए। इसका मतलब है पूरे शहर में जो हल्ला मचा वो हमारे और तुम्हारे नाम पर मचा। की वाली भी चेक कर लीजिए। धमाका होने वाला है, होने वाले सामूहिक विवाह के कार्यक्रम। ऐसा कार्यक्रम होगा, ऐसा सामूहिक विवाह होगा कि माई कभी भूल ही नहीं पाएगी। इनहेल इनहेल इनहेल। टेटनेस नहीं संपूर्ण, वो नशे का इंजेक्शन था। अब माई सीधा अपनी विदाई में ही उठे। अब
सच्चाई बताने का क्या फायदा जब आज तक आप मुझसे झूठ बोलते आ रहे हैं। हर उस वक्त जब मैं आपके पास रोते हुए आया कि मैं अस्मिता जी से प्यार करता हूं, अस्मिता जी मुझसे प्यार नहीं करी, मेरे साथ शादी निभाना नहीं चाहती, तब आपको सच्चाई याद नहीं आई, तब आप मुझसे झूठ बोलते रहे क्यों? हो चुका है मेरे बदले का आगाज मिस्टर शान मौजूदा, अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो।